नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। कारगिल विजय दिवस की आज 22वीं वर्षगांठ है। 1999 में आज ही के दिन भारत के वीर सपूतों ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ कर तिरंगा फहराया था। कारगिल विजय दिवस पर परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा को भला कौन भूल सकता है। 22 साल पहले कारगिल की लड़ाई में ये दिल मांगे मोर बोलकर कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल की लड़ाई में अपनी जान देने वाले हर युवा सैनिक का चेहरा बन गए। अपनी वीरता, जोश, दिलेरी और नेतृत्व क्षमता से 24 साल की उम्र में ही सबको अपना दीवाना बना देने वाले इस वीर योद्धा को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध की वीर कथा उनको याद के बिना अधूरी है। आपको बता दें, कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसे योद्धा थे जिससे दुश्मन कांपते थे, एक ऐसा योद्धा जिसकी बहादुरी की दुश्मन भी तारीफ करते थे, एक ऐसा योद्धा जो एक चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद कहता था, ये दिल मांगे मोर, और दूसरे मिशन के लिए निकल पड़ता था। विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर से सटे बंदला में 9 सितंबर 1974 को हुआ था। विक्रम बत्रा ने जेवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई की थी। स्नातक करने के बाद उनका चयन CDS के जरिए सेना में हो गया था। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सेना एकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया और उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर जगह पर सेना की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली थी। 2 साल के अंदर ही विक्रम बत्रा कैप्टन बन गए थे। विक्रम बत्रा की टुकड़ी ने हम्प और राखी नाम के स्थानों को जीतकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था और इसी के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया और उन्हें श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा सौंप दिया गया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कारगिल के दौरान उन्होंने 5 पॉइंट्स को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। लड़ाई के दौरान उन्होंने खुद की जान की परवाह किए बिना कई साथियों को बचाया था। 7 जुलाई 1999 को एक साथी को बचाने के दौरान उन्हें गोली लग गई थी और वो शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। विक्रम बत्रा के बारे में तब के इंडियन आर्मी चीफ VP मलिक ने कहा था कि अगर वो जिंदा वापस आते तो एक दिन मेरी जगह लेते। आपको बता दें, विक्रम बत्रा जुड़वा भाई थे। उनके भाई का नाम विशाल बत्रा है, जिसे विक्रम बत्रा ने 16 जून को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, प्रिय कुशु, मैं पाकिस्तानियों से लड़ रहा हूँ, जिंदगी खतरे में है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि मेरी बटालियन के एक अफसर आज शहीद हो गए, नॉर्दर्न कमांड में सभी की छुट्टी कैंसिल हो गई है। पत्र में विक्रम बत्रा ने लिखा था कि पता नहीं भाई कब वापस आऊंगा, लेकिन तुम माँ और पिताजी का ख्याल रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जय हिंद जय भारत। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।